दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट एंड डिबेट के बारे में। और इसमें हम पहले मैं दो वीडियो बना सकता हूँ, ये है पार्ट थ्री। और आज हम सकारात्मक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। स्वतंत्रता प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है, यानी कि जो स्वतंत्रता है उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह उन सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों की उपस्थिति है, यानी कि इसने कहा है बल्कि यह उन सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों की उपस्थिति है जिसके बिना इसे महसूस नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है, यानी कि सेकंड पॉइंट है इसका, स्वतंत्रता का उद्देश्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य का विकास करना है। स्वतंत्रता का अर्थ दोस्तों, स्वतंत्रता का उद्देश्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य का विकास करना है। उचित अवसरों और मान सामाजिक परिस्थितियों के बिना स्वतंत्रता को महसूस नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट है इसका, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं, यानी कि स्वतंत्रता के लिए अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर अधिकार है तभी स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो सकती है। और देखिए, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं और यह न्याय, नैतिक और समानता से संबंधित है। जैसे मौलिक अधिकार है तो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग तीन में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि हमारे पास अधिकार है तभी हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। आने जाने की, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, खाने पीने की, बोलने की, ये सारे वही स्वतंत्रता अधिकार हैं तो हमें स्वतंत्रता है। और इसका फिफ्थ पॉइंट है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक कल्याण के अनुरूप होनी चाहिए। और इसका सिक्स्थ पॉइंट अब हम पढ़ेंगे। ये देखिए आप, सिक्स्थ पॉइंट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। राज्य का कर्तव्य स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करना है और इसके लिए राज्य कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। हालांकि सरकार को एक जिम्मेदार सरकार होना चाहिए। राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दुश्मन के रूप में नहीं देखा जाना। स्वतंत्रता सामाजिक मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता है और यह एक असामाजिक या असामाजिक प्राणियों को नहीं दी जा सकती। और इसका फिफ्थ पॉइंट, इसका सिक्स, यह एट पॉइंट है, केवल एक कल्याणकारी राज्य में ही सकारात्मक स्वतंत्रता मौजूद हो सकती है। यानी कि अगर कल्याणकारी राज्य है तो वहीं पर सकारात्मक स्वतंत्रता मौजूद हो सकती है। इसके अगले पार्ट में हम नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है उसके बारे में। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति, मैं आपको इतना सा बता सकता हूँ। और इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप